चले भाई, मैं अगर ऑडिबल और विजिबल हूं तो मुझे क्लियर करेगा। एक सेकेंड, चले मैं ऑडिबल और विजिबल हूं, मुझे क्लियर करेगा। कैसे हैं आप सब? चले मैं ऑडिबल हूं, चले मैं ऑडिबल हूं। और आ जाइए आ जाइए, सारे लोग आ जाइए, जितने लोग सेशन देख रहे हैं सेशन लाइक कर दीजिए, और भी लोग आ जाएंगे आई थिंक। क्या नोटिफिकेशन तो इस क्लास की जाती नहीं? चले मैं क्लियर हूं। चले तो आज जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट के, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, सबसे पहले तो मेरा नाम है विमलेश यादव, आपका जो है वाईफाई स्टडी के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इट्स अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी और मैं अन अकेडमी के आपके रेलवे कैटेगरी का टॉप का एजुकेटर हूँ, ठीक है। प्लस मैं जो जो भी क्वेश्चन आज आपको स्क्रीन पे बताने जाऊंगा वो सारे ही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। प्लस जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन हमें आए हैं, वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रोवाइड कराऊंगा और ये एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपकमिंग, अगर आपका अपकमिंग फेज में पेपर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके आईबी के एग्जामिनेशन है, आपके अदर एग्जामिनेशन है, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है मैं आपको प्रॉपरली ऑडिबल हूंगा और विजिबल हूंगा, एक बार ही मुझे क्लियर कर दीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चले आ जाइए भाई। मैं बढ़िया मैं बढ़िया मैं बढ़िया मैं बढ़िया, आप लोग कैसे? बिल्कुल फुल क्वेश्चन मैं कराऊंगा विद एक्स्ट्रा डिटेल्स, जितने भी क्वेश्चन बने हैं सब पे मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको कराऊंगा। चले चले चलिए मैं स्टार्ट करा देता हूं। हाँ, और अगर आप लोगों ने अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करा तो अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ठीक इसके बाद कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो उनका मैं अनअकैडमी पे भी रिव्यू करा देता हूं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, वेयर इज इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर? तो ये क्वेश्चन जो है आपको, वेयर इज इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर, ये क्वेश्चन जो है आपको ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन, तो वो कहां पे हो जाएगा? कलपक्कम तमिलनाडु में। वेरी इजी क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए तमिलनाडु से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला म्यूजिक म्यूजियम पूछा जाएगा कहां पे भाई? तमिलनाडु में। उसके अलावा पूछा जाएगा कि 2019 में, ठीक है, 2019 में किसको जो है जल अवार्ड से घोषित किया, जल अवार्ड दिया गया, तो वो भी क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ये भी क्वेश्चन बना सकता है। प्लस अगर पूछा जाएगा कि पहला मोदी किचन, मोदी किचन कहां खोला गया भाई, तो वो भी आपका कहां खोला गया? तमिलनाडु में खोला गया। उसके अलावा पूछा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो भी कहां हो जाएगा आपका? वो भी तमिलनाडु ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कौन यहाँ के गवर्नर है, तो बी एल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। पूछा जाएगा कौन यहाँ के सीएम है, तो वो हो जाएंगे के पलानी स्वामी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नर बी एल पुरोहित और के पलानी स्वामी यहाँ के क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके यहाँ के गवर्नर। और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंदिरा वन मितान स्कीम कहां चलाई गई छत्तीसगढ़, इंदिरा रसोई कहां खोली गई राजस्थान, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या था भाई, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक सेकेंड मैं अभी, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, इसको मैं ऑफ कर दूं। चले चले फिर से आ जाते हैं। हाँ, तो हु रिसीव्ड द पद्म भूषण इन 2019? तो देखिए पद्म पुरस्कार मैं आपको बता दूं, पद्म पुरस्कार जो दिए गए थे 2019 में वो कितने लोगों को दिए गए? वो दिए गए 141 लोगों को, ध्यान रखिएगा। जबकि 2020 में कितने लोगों को दिए गए? तो 2020 में दिए गए 119 लोगों को, ध्यान रखिएगा। 2020 में कितने लोगों को दिए गए? 119 लोगों को, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 7 लोगों को पद्म विभूषण, ठीक है, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को क्या हो जाएगा आपका, वो दिया गया पद्मश्री। ये 2020 की मैं बात कर रहा हूं, 2019 पूछा गया है कि हु रिसीव द पद्म भूषण इन 2019, तो ऑप्शन में था भाई, आपको पूछा गया था, जो भी ऑप्शन दिया गया होगा। अगर आपको कुलदीप नैयर दिया गया था, इनको भी दिया गया था पोस्टमिस्ट्री, आपको गौतम गंभीर भी दिया गया था जो है कि पद्म भूषण के लिए। पद्म विभूषण अगर पूछा जाएगा तो 2019 में भी 7 लोगों को मिला था। मैं 2019 भी बता देता हूं, 2020 भी बता देता हूं, ठीक है, एक मैं ब्लैंक पेज लूंगा, ठीक है। 2019 में आपको पद्म विभूषण अगर पूछा जाएगा, जो कि आज आपको आई थिंक पूछा भी गया था कि इसमें से 2019 में किसको किसको पद्म विभूषण, ठीक है, नहीं मिला था, ये पूछा गया था आपको क्वेश्चन में। तो 7 लोगों को जिनको जिनको पद्म विभूषण मिला 2019 में, मैं बता देता हूं उसमें देखिए कौन हो जाएंगी,
मैरीकॉम एक वेरी इंपॉर्टेंट नाम जो कि पूछा जा सकता है, कौन हो जाएंगी? मैरीकॉम हो जाएंगी। उसके अलावा दूसरा नाम आपको सुषमा स्वराज जी, ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा, सुषमा स्वराज जी, इनको भी दिया गया 2019 की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा तीसरे नाम कौन हो जाएंगे, अनिरुद्ध जुन्नुत, ये भी ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे, अनिरुद्ध जुन्नुत, इनको भी जो है कि दिया गया पद्म विभूषण 2019 में। उसके अलावा चौथे नाम में हम कर देते हैं अरुण जेटली, इनको भी दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा इनको भी दिया गया है भाई, कौन सा अवार्ड दिया गया, इनको भी पद्म विभूषण दिया गया 2019 में। 7 लोगों को क्या दिया गया था, पद्म विभूषण, 16 लोगों को पद्म भूषण और 118 लोगों को क्या दिया गया था, पद्मश्री, टोटल 141 लोगों को दिया गया था 2019 के। मैं पद्म विभूषण के बारे में बता रहा हूं क्योंकि ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है, 2020 भी मैं बता दूंगा। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा पांचवा नाम अरुण जेटली हो गए तो वो हो जाएंगे विश्व तीर्थ स्वामी, ये ध्यान रखिएगा विश्व तीर्थ स्वामी को भी दिया गया था, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा छठा नाम भी ऐड कर देते हैं तो छन्नू लाल मिश्र हो जाएंगे, ठीक है, छन्नू लाल मिश्र जी को भी दिया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है कब, तो इनको भी दिया गया था आपका 2019 में। सातवां नाम भी मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे, सातवां नाम कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे जॉर्ज फर्नांडिस, बिहार के पब्लिक अफेयर यानी नेता है, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस को मिला, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपको बनेंगे, इन 7 लोगों को दिया गया था 2019 में। 2020 में देखिए कुछ नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है आपके जापान के पूर्व पीएम, ठीक है, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, शिंजो आबे, वेरी इंपॉर्टेंट नेम कि उनको दिया गया 2020 पूछा जाएगा, उसमें भी 7 लोगों को पद्म विभूषण, ठीक है, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को क्या दिया गया, पद्मश्री, यानी टोटल 119 लोगों को दिया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था वेयर इज द टेंपल ऑफ कोणार्क, तो ये सबको पता होगा कोणार्क टेंपल कहां पे भाई, ये उड़ीसा में, किसने बनवाया भाई, नरसिंह वर्मन ने, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ब्लैक पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाएगा कि ब्लैक पैगोड़ा के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो आपका सन टेम्पल को ही जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा जो सन टेम्पल है ना, वो हमारी 10 रुपी की भी जो है, 10 रुपी की जो करेंसी उस पर भी अंकित है। सूर्य के मंदिर अगर पूछा जाएगा कोणार्क सन टेम्पल, तो वो 10 रुपीज पे है। 20 रुपीज पे पूछा जाएगा तो वो एलोरा केव्स बनाया गया है। 50 रुपी पूछा जाएगा तो हम्पी का रथ बनाया गया है। उसके अलावा 100 रुपी पे पूछा जाएगा रानी की वाव बनाई गई। ये सब आपको पूछा जा सकता है, इसमें नहीं पूछा जाएगा तो आपको ग्रुप डी में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 200 पूछा जाएगा तो सांची स्तूप, 500 पूछा जाएगा रेड फोर्ट, ठीक है, 2000 पूछा जाएगा तो उस पर बनाया गया मंगलयान। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन सी करेंसी पे कौन सा चित्र अंकित है। आगे बढ़ते हैं, When was the जनता पार्टी गवर्नमेंट established? 1977, वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए आपको पूछा जा रहा है, अभी आपको लगातार कांग्रेस से क्वेश्चन पूछ रहे थे 1885, वो भी मैंने बताया था एओ ह्यूम ने बनाई थी, ठीक है। और मैं आप लोगों के कमेंट्स ले लेता हूं, कमेंट्स ले लेता हूं, सारे लोग आ जाइए, सेशन लाइक कर दीजिए भाई, जितने लोग सेशन देख रहे हैं सेशन लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है आप विजय। एक्चुअली देखिए 1 आवर की क्लास पॉसिबल नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी में मैं ज्यादा से ज्यादा जो है आपको प्रेजेंट कर दूं, ठीक है। बिल्कुल जो भी पूछा गया होगा गजानन, जो भी पूछा गया होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, जो भी पूछा गया होगा, ठीक है। और ये सेशन देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए अपने दोस्तों को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, आप ही लोगों के लिए सेशन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतनी ज्यादा मेरी क्लासेस आप लोगों को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये पूछा गया व्हेन डिड द क्रिप्स मिशन, अगर आपने कल का सेशन देखा होगा तो मैंने कैबिनेट मिशन बताया था 1946, क्रिप्स मिशन भी बताया था 1942, जिसको गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक, ये वही क्रिप्स मिशन है, ध्यान रखिएगा। इसको गांधी जी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था जो है कि क्वेश्चन कि 1942 में सारे भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, तो वो जो है कि गांधी जी ने दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन भी कब हुआ, 1942 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल, इंडिया में कौन थे, तो वो जाएंगे क्लीमेट एटली, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन हुआ, वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसके तहत हमारा जो है कि बनाया गया है जो है कि हमारा संविधान जो है कैबिनेट मिशन के थ्रू ही बनाया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया वेर इज द वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल हेडक्वार्टर, ये भी कहां हो जाएगा, जिनेवा। जिनेवा से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, WTO हो गया, WHO हो गया, वो कहां पे हो जाएगा भाई, वो जिनेवा में ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा ह्यूमन राइट्स डे हम सेलिब्रेट कब करते हैं, मानवाधिकार दिवस हम सेलिब्रेट कब करते हैं, तो वो हो जाएगा 10 दिसंबर, ये पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछा जाएगा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स, अगर पूछा जाएगा कि का हेड कौन है हमारे NHRC का, तो वो कौन हो जाएंगे, HL दत्तू, वो पूछे जाएंगे, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, वो कौन हो जाएंगे, HL दत्तू, NHRC के, हमारे यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का पूछा जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार अगर पूछा जाएगा परिषद का, तो ठीक है। सोनार का पुरडूब क्या हो जाएगा, तो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग किस काम में आता है, वो अगला क्वेश्चन ही पूछा गया है,
तो अगर मैं बता दूंगा तो वो अगला क्वेश्चन ही कर लेंगे आपको। गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक्चुअली ये पूछा गया था डेप्थ, देखिए सबमरीन पूछा गया, अगर वही अगर समुद्र की गहराई पूछा जाता तो वो फैदोमीटर हो जाता है। यहाँ पे क्या है आपको सबमरीन पूछा गया तो सोनार का यूज किया जाता है। व्हाट वॉज द डेप्टी स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए संविधान के सभा का अगर सलाहकार, मैं सारे बता देता हूं, सलाहकार पूछा जाएगा आपको तो वो कौन हो जाएंगे, बीएन राव। पहली जो सभा हुई थी, पहली सभा अगर आपको पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन बनता है, तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वो सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी भाई? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी सभा पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को, इसमें किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी टोटल सभाएं हुई थी हमारा संविधान बनाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा 12 सभाएं हुई थी। मैंने बताया था 64 लाख रुपए लगे थे, ठीक है 64 लाख रुपए लगे थे, 2 साल 11 माह 18 दिन ये लगे थे, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके अलावा किसको क्रेडिट जाता है? कैबिनेट मिशन को क्रेडिट जाता है। अगर पूछा जाएगा कि तब कितने संविधान में कितने अनुच्छेद हुआ करते थे, तो ध्यान रखिएगा तब 395 आर्टिकल हुआ करते थे। स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियां थी, बाद में उसको क्या कर दिया गया, 12 शेड्यूल्स कर दिया गया, और भाग कितने थे? वो 22 पार्ट थे, ठीक है। ये जब हमारा संविधान बनाया गया जो है आपका 23 नवंबर 1949 को, तब आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि अभी करंट में अगर पूछा जाएगा कि करंट में हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हो जाएंगे, तो वो कितने हो जाएंगे? 470। कितने हो जाएंगे? 470 पार्ट। अगर पूछा जाएगा तो 25, और अगर शेड्यूल्स पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 12। क्लियर है इतना सबको? बताइए क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, हाँ हाँ, वो श्याम योजना भी आपको बताई गई थी, श्याम योजना भी बताई गई थी, सब सब पूछा जाएगा। देखिए जितने भी एग्जामिनेशन, मैं आपको क्या कर रहा हूं, जितने भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं सब में ये पूछा जाएगा। जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं भाई, सेशन लाइक कर दें, ठीक है। जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं वो सेशन लाइक कर दें, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, नए हैं बस यही कहूंगा, राबल रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। वो हो गया 26 नवंबर 1949 हो गया आपका, ठीक है। आपको उसके अलावा 395 भाग, 25 भाग हो गए, 470 आर्टिकल हो गए, ये सब ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द कार्ला केव्स, कार्ला केव्स कहां पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, कान्हेरी पूछा जाएगा, कान्हेरी पूछा गया, ठीक है। एलिफेंटा पूछा गया आपको, अजंता पूछा गया, एलोरा पूछा गया, ये सब कहां पे हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा नेशनल पार्क पूछा गया, चांदोली हो गया, जो है कि तादोबा नेशनल पार्क हो गया, गुंगामल नेशनल पार्क हो गया, ये सब कहां पे हो जाएंगे? ये भी आपके महाराष्ट्र में हो जाएंगे। महाराष्ट्र के एस्टेब्लिशमेंट 1960। करंट में सीएम पूछा जाएगा उद्धव ठाकरे, गवर्नर पूछा जाएगा भगत सिंह कोश्यारी, ये ध्यान रखिएगा। व्हेन इज पेरिहेलियन, तो देखिए पेरिहेलियन कब होता है, तो पेरिहेलियन किसको कहते हैं, ठीक है। तो पेरिहेलियन किसको कहते हैं? जब जो सूर्य की दूरी होती है वो पृथ्वी से कम होती है, वो कब होता है? 3 जनवरी को। वहीं अगर अधिक पूछा जाता तो वो क्या हो जाता है आपका? वो 4 जुलाई को हो जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैंने पढ़ा रखा है सोलर सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, अभी रिसेंट में आया था, वो क्या हो जाएगा? 131, ठीक है। क्या हो जाएगा? 131। देखिए इसके पास के मैं सारे करा देता हूं। एसडीआई रैंक निकालता कौन है? तो वो निकालता है यूएनडीपी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कहां पे हेडक्वार्टर हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। हेड कौन हो जाएंगे? अचीम स्टेनर। ये सब क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अगर पूछा जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 131, अगर पूछा जाएगा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्तमान में कितनी है, तो वो हो जाएगी 116, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स वर्तमान में कितनी है, तो वो कितनी हो जाएगी? 111। सारी रैंकिंग्स मैंने आपको पढ़ा रखी है, सारी रैंकिंग्स आपको पढ़ा रखी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विच लैंग्वेज इज यूज इन कंप्यूटर फॉर बिजनेस पर्पस? कोबोल, कल भी पूछा गया था, कल फुल फॉर्म पूछा गया था जिसके बारे में पूछा गया। विच हैज 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के अगर सीएम पूछा जाएगा कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? बीबी हरिचंदन। क्लियर है? 1956 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य। यहां से क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है, पोलावरम प्रोजेक्ट कहां से संबंधित है भाई? तो वो यहीं से संबंधित है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन और पूछा जाएगा, नाडू नेडू स्कीम कहां से संबंधित है? वो भी यहीं से संबंधित हो जाएगा। क्लियर है इतना? बताइए क्लियर है सारे लोग? जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं जल्दी से सेशन लाइक कर दें। पर डे, जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये मेरी क्लास जो रहेगी 9:30 बजे पर डे आएगी। देखिए मैं आपको बता दूं,
मैं आपका एक नया एजुकेटर हूं जो विमरीश यादव मेरा नाम है। यहां पे 9:30 बजे मेरी दोनों शिफ्ट की रिव्यू की पेपर आएगी, ठीक है। और मैं आपके जो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे रेलवे कैटेगरी का टॉप का एजुकेटर हूं, वहां पे भी मेरी फ्री क्लासेस चलाई जाती है 10 बजे। आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, सबके लिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए फ्री क्लास चली है, फ्री टेस्ट सीरीज चली है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो मे भी आपको एक कोड मांगेगा खोलने के लिए, कि फ्री क्लासेस के लिए, तो वो ध्यान रखिएगा, ये कोड हो जाएगा vimreesh@14, नीचे आई थिंक दिख रहा होगा आपको, इसका यूज करके आप वो क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरी फ्री क्लासेस होती है, आगे बढ़ते हैं। और ये क्लास यहाँ पे आपको जो है कि पर डे होती है। और एक चीज मैं बता दूं, जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता रहा हूं वो आपके आने वाले शिफ्ट को ध्यान में रख के ही बता रहा हूं, और ये आपको देखने को भी मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि गांधी जी वाला क्वेश्चन वो आपको पूछा गया, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन, अब यहाँ पे जितने भी रेवोल्यूशंस हैं वो सारे रेवोल्यूशंस मैं आपको बता दे रहा हूं। और देखिए, तब भी मैंने आपको बताया था रेवोल्यूशन जब आपको पूछा गया था, और यहीं से सारे रेवोल्यूशंस के क्वेश्चन फिर आपको बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो हो जाएगा विद वोम इज द गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन रिलेटेड, तो वो क्या हो जाएगा, जूट, जूट से संबंधित है आपकी गोल्डन फाइबर, स्वर्ण फाइबर अगर पूछा जाएगा किससे संबंधित हो जाएगी, वो हो जाएगी जूट से। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर आपको पूछा जाता ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है भाई, तो वो किससे हो जाती, फिश से, ध्यान रखिएगा किससे संबंधित हो जाती, फिश से। वहीं आपको पूछा जाता ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो खाद्यान्न से, खाद्यान्न में सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा किसको हुआ था, तो वो वीट को हुआ था, पूछा जाए गेहूं को, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए किसको जाना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया में किसे जाता है जाना जाता है, एम एस स्वामीनाथन। उसी तरह आपको पूछा जा सकता है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपको पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। 1970 में एनडीडीबी के द्वारा चला गया प्रोडक्ट था, ठीक है, जो कि किसके लिए चला गया था, मिल्क के लिए चला गया, तो ये भी पूछा जा सकता है। ब्लैक रेवोल्यूशन, काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए चलाई जाती है, नीली क्रांति मछली पालन के लिए, पीली क्रांति पूछा जाएगा यानी येलो रेवोल्यूशन, तो वो दलहन तिलहन के लिए यानी ऑयल सीड्स के लिए चलाई जाती है। पिंक क्रांति अगर पूछा जाएगा, गुलाबी क्रांति, तो वो आपकी ओनियंस के लिए, प्याज के लिए और झींगा मछलियों के लिए, प्रॉन फिशेस के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको पूछा जाता है कि रेनबो क्रांति क्यों चलाई जाती है, तो जितनी भी रेवोल्यूशंस हैं, जितनी भी आपकी क्रांतियां चलाई जा रही हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए हम रेनबो रेवोल्यूशन चलाते हैं। ये सब मैंने पढ़ा रखा है और ये मैं रेगुलर आपको बताता हूं, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे तो हो सकता है अगले शिफ्ट में आपको पूछा जाए, क्योंकि ये उसी शिफ्ट का क्वेश्चन है जब मैंने आपको बताया था। अ क्वेश्चन फॉर सुकन्या समृद्धि योजना लगातार पूछा जा रहा है, आपको पता है कि इसमें जो है 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं कन्याओं के लिए, 10 साल से कम एज के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जा रहा है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार मैंने ये चीज बता भी रखी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग की गठन कब हुई थी भाई, 1906 में, कहां पे हुई थी, ढाका बांग्लादेश में, ये ध्यान रखिएगा। किसने करा था, तो हो जाएंगे आगा खान और सलीमुल्ला खान ने, बताया हुआ क्वेश्चन है भाई, आगा खान और सलीमुल्ला खान ने करा था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है आपको, ये भी पढ़ाया गया क्वेश्चन है, तो पूछे जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। और वेयर इज द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, तो देखिए कल आपको जब वीली पूछा गया था तभी मैंने बताया था कि खाना जो है सबसे ज्यादा समय तक कहां पे रहता है, छोटी आंत में। देखिए आज क्वेश्चन पूछा गया, परसों का, आई थिंक कल या परसों का रिव्यू उठा के देख लीजिए 9:30 बजे। कई लोग कहते हैं कि सर रिव्यू का फायदा नहीं होता, रिव्यू का ही फायदा होगा इतने कम समय में आपको, ठीक है। और वो आप देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे कि वो बोला भी जा रहा है कि विमरीश के रिव्यू का फायदा हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, कल ही मैंने बताया था, तो वो क्या हो जाएगा, छोटी याद। आगे बढ़ते हैं, अ क्वेश्चन भाभा, अब भाभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं बता देता हूं आपको। देखिए भाभा के एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1954 में, 1954 में, किसने करी भाई, तो होमी जहांगीर भाभा ने करी, ठीक है, किसने करी, तो होमी जहांगीर भाभा ने करी, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा पूछा गया होगा, तो पूछा गया होगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो होगा आपका ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, कहां पे हो जाएगा, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। हो सकता है आपको पूछा गया होगा कि करंट इसका डायरेक्टर कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, अजित कुमार मोहंती, वो कौन हो जाएंगे भाई, अजित कुमार मोहंती, ये करंट में कौन हो जाएंगे इसके डायरेक्टर, क्लियर है, इतना क्लियर। बाबा ने भी हमारे सेना के लिए बाबा कवच बनाया था, ठीक है, एक बुलेट प्रूफ जैकेट, क्लियर है। चलिए चलिए चलिए, तो जितने लोग भी सेशन देख रहे, अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है, ठीक है, अच्छा मैं बहुत जल्दी बोलता हूं, एक्चुअली देखिए मैं आपको बताऊं, 9:30 बजे यार मेरी क्लास शिफ्ट होती है, और इसके ठीक 10:05 पे मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती है, ताकि कोई भी क्वेश्चन यहां से बच जाए तो मैं आपको अनअकैडमी पे पढ़ा दूं। देखिए अनअकैडमी एप्लीकेशन में आपको, देखिए आप लोगों को ये लगता है कि सारी चीजें अपने फायदे के लिए बनाई जाती है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका पूरा फायदा है, वहां पे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, फ्री क्लासेस आपको चलाई जा रही है, कोई पैसे की बात नहीं है। जब आपको लगता है कि फ्री क्लासेस से अभी फ्री क्लासेस का भी फायदा उठा रहे हैं, आप रिव्यू उठा करके देखिए, बच्चे नाम ले रहे हैं कि विमरीश सर की क्लास से फायदा हो रहा है, अब देख लीजिए कई सारे जो यूट्यूब चैनल्स पे जो बच्चे नाम ले रहे हैं, अब देखिए मैं आपको बताऊं, वहां पे फ्री क्लासेस चलाई जा रही है, इवन फ्री टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है, आई थिंक 12 से, कल ही से स्टार्ट है, 10:00 बजे
और शाम को 7 बजे, ठीक है? सुबह 10 बजे, वो स्लाइड मैंने अपलोड नहीं करी है, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए, सुबह 10 बजे एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और मैं ही रिव्यू करूंगा उसको, ठीक है? और शाम को 7 बजे चलाई जा रही है ग्रुप डी के लिए आपको टेस्ट सीरीज फ्री है। सारे बच्चे, जितने बच्चे जो है अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे वहां पे देख सकते हैं आप, मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं पर डे रात को 10 बजे। अभी इसके बाद मैं वही क्लास लेने जाऊंगा जो भी क्वेश्चन मान लीजिए बस जाता है, या फिर इसी क्वेश्चंस के और एक्स्ट्रा डिटेल्स, क्योंकि तब मैं और आराम से आपको पढ़ाता हूं, आप भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मैं उसको भी आपको बताते हुए चलता हूं, तो वो फायदा है। आप अपने एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, आप कोड यूज करिए फ्री के लिए vimlesh@14, आप फायदा उठाइए। आपको फायदा नहीं होगा तो मैं यहीं पे हूं, आप मुझे बताइएगा, मैं उसको भी सॉल्व करूंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा आपसे वादा है, आज तो प्रॉमिस डे भी है शायद, और ये वादा नहीं टूटेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये वादा आपसे टूटेगा भी नहीं, ये मेरा वादा है, आपका सर का एक स्टूडेंट से वादा है, तो ये कभी नहीं टूटता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। When did the cabinet mission to India? तो अभी जस्ट मैंने देखिए आपको बताया क्रिप्स मिशन के साथ 1946, अगला ही क्वेश्चन है। रत्नावली, परसों का सेशन उठा के देख लीजिए, परसों का सेशन उठा के देख लीजिए, जब पूछा गया था कि हर्षचरित किसकी किताब है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि बाणभट्ट की किताब है, उसी समय बताया था कि उनकी किताब है कादंबरी है, तभी मैंने बताया था हर्ष जो है हर्षवर्धन के बारे में बताया था कि हर्षवर्धन की 3 किताबें रत्नावली, प्रियदर्शिका, ठीक है, और बताया था नागनंद, बताया था कि नहीं बताया था? अब जो लोग रेगुलर रहते हैं वो बता दे भाई, बताया था कि नहीं बताया था? आप लोग रेगुलर रहते हैं बता दीजिए, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है? उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक जो इंट्रोडक्टरी कैपिटल थी वो कहां थी? थानेश्वर। वहां से उन्होंने अपनी कैपिटल कहां की? हरियाणा, थानेश्वर से अपनी कैपिटल करी कन्नौज, ठीक है, जो कि यूपी में। और मैंने ये भी बताया था उन्होंने अपनी रिलीजियस फ्रीडम जो बनाई थी, यानी जो उनका धार्मिक जो जो है राजधानी थी वो कहां हो जाएगी? प्रयाग। इवन जो कुंभ मेला है उसका क्रेडिट भी किसे जाता है? तो वो इन्हीं को जाता है, हर्षवर्धन को जाता है। प्लस मैंने आपको बताया था 4 जगह जो है कुंभ मेला होते हैं, एक इलाहाबाद में, ठीक है, एक हो जाएगा आपका उज्जैन में, एक होता है हरिद्वार में, चौथा आप बताइए। मैं इतना भी बता देता हूं महाराष्ट्र में, अब वो कहां पे यह आप बताइए। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे इन 2019? तो वो क्या हो जाएगा? यूथ स्टैंड्स फॉर ह्यूमन राइट्स, ये 2019 का। और कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, जस्ट मैंने बताया। क्लियर? क्लियर? इतना बताइए, क्लियर है सबको? चलिए, आपका सेशन लाइक करना ही मेरे लिए अप्रिसिएशन होगा। देखिए, आपका सेशन लाइक करना ही मेरे लिए अप्रिसिएशन होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। चलिए, ठीक है। और यार मैं बीच बीच में ही कमेंट देख पाता हूं, लगातार मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं कमेंट अगर देखूंगा तो शायद मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो बस इसी वजह से, ठीक है। क्लियर है सबको? सेशन कैसा लग रहा है? पढ़ाया था ये महफूज, आप तो क्लास में आए थे, पढ़ाया था ये? हर चीज की तैयारी करा रहा हूं मैं आपको, जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं जल्दी से, 200 लोग हैं लाइक अभी, 137 ही दिख रहा है, जल्दी से 200 प्लस करिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन ले लेते हैं। चले, व्हेन डिड द किसान श्रम निधि योजना वो 2008 में स्टार्ट हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? अभी क्वेश्चन है, अभी मैं ले रहा हूं ये, थैंक यू तो मैं बोलूंगा लेकिन थोड़ा समय लेकर के। और ध्यान रखिए, आप लोगों के लिए देखिए बैचेस स्टार्ट किए गए हैं, मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के बैचेस स्टार्ट किए गए टॉप एजुकेटर्स की तरफ से, जो कि वाईफाई के भी पूरे एजुकेटर, रेलवे के भी एजुकेटर, आप मुझे भी देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी वो आगे चला गया। चले, और मैं आपको चीजें बता दूं, देखिए अनअकैडमी पे फ्री जो है क्लासेस भी उठाई गई है, पेड बैचेस भी स्टार्ट किए गए। फायदे देखिए क्या क्या मिलते हैं, 70+ एजुकेटर्स हैं, 30 जो है क्लासेस पर डे आपकी जो है कि हर वीक में 30 जो है आपके कोर्सेज लॉन्च होते हैं, पर डे 300 क्लासेस है, 300 क्लासेस आप नहीं देख सकते हैं। अब वो 4 क्लास देखिए जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसके अलावा 40,000 जो है आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़े, ये सब आप लोगों के लिए पढ़े, उनका फायदा उठाइए। 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ट्रस्टेड ओवर 98% ट्रस्टेड लर्नर्स हैं, जिनसे आप, आपके भी कई सारे दोस्त होंगे जिन्होंने प्लस ले रखा है, आप उनसे भी रिव्यू पूछ लीजिए, ठीक है। उसके अलावा सारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी बैचेस चलाई जा रही, हिंदी बैच चलाया जा रहा है आपको, ठीक है, आरपीएफ बुले बैच चलाया जा रहा है, यूपी पुलिस यानी रीजनल एग्जामिनेशन को भी ध्यान में रखकर आपको पढ़ाया जा रहा है, तेजस बैच है पूरी वाईफाई टीम की तरफ से, ब्रह्मास बैच है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन बैचेस जो है कि स्टार्ट हो रहा है 8 फरवरी से, यानी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आप लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स बहुत कम कर दिए गए, बहुत कम कर दिए गए हैं, 600, 1500, 2400, 3600, ये आपका लगभग आधा कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि डिमांड को देखते हुए। जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो कोड यूज कर सकते हैं vimlesh@14, ध्यान रखिएगा ये पेड के लिए भी है और ये फ्री के लिए भी है, इतने ही आपको फ्री क्लासेस चलाई जा रही, इवन इससे ज्यादा फ्री क्लासेस चलाई जा रही, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं जो पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूं क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, ठीक है। चले, ये क्वेश्चन है भाई, कालबेलिया डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? राजस्थान से,
काल बेलिया, 13 ताली, सुईसनी, ठीक है, घूमर, ये कहाँ के डांस फॉर्म है? तो ये सब राजस्थान के डांस फॉर्म है, ये सब मैंने आपको बढ़ा रखा है, ठीक है। उसके अलावा हाथी फेस्टिवल और पुष्कर मेला अगर पूछा जाएगा, ठीक है, ये सब कहाँ के फेस्टिवल है, वो भी यहीं के हैं, ठीक है। विच इज द येलो रेवोल्यूशन, अभी मैंने आपको बताया ऑयल सीड्स, ध्यान रखिएगा, येलो रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, दलहन तिलहन से संबंधित, उसको हम क्या कहते हैं, ऑयल सीड्स, ठीक है, ये बता दिया मैंने। हु बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण जी 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर बनी, ठीक है। और एल्गी आर ग्रीन ड्यू टू विच पिगमेंट, तो वो हो जाएगा आपका क्लोरोफिल। ये याद होगा आपको, मैंने प्लास्टिड के बारे में बताया था कि क्लोरोफिल क्या करता है, पौधों में हरा रंग देता है, पौधों में अदर कलर के लिए क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम वर्णी लवक हिंदी में कहते हैं। अगर पूछा था पौधों में कोई भी कलर ना देने के लिए किसका यूज किया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, जिसको अवर्णी लवक कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, बताइए, क्लियर। और एल्गी और फंगी की अगर पूछा जाएगा कि एल्गी और फंगी के, ठीक है, रिलेशन से क्या बनता है, तो वो बनता है लाइकेन, क्या बनता है, लाइकेन। चलिए क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चले तो बिल्कुल 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 बिल्कुल, सारे लोग सेशन लाइक कर दीजिए, सेशंस को कर दीजिए शेयर, सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को कर दीजिए शेयर। आज का सेशन देखिए, क्वेश्चंस और हैं लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है, तो मैं क्या करता हूं कि अभी जो बचे हुए क्वेश्चन उनके साथ मैं अनअकैडमी पे लाइव होता हूं, ठीक है, अनअकैडमी के फ्री एप्लीकेशन पे, जो अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री क्लासेस जो है कि 10:05 पे होंगी, मैं वहां आपसे मिलता हूं 10:05, ठीक 5 मिनट बाद, जो कि पूरी तरीके से फ्री क्लास होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आ जाइए अनअकैडमी पे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अनअकैडमी पे आ जाइए, विमलेश यादव सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहां पे भी वाईफाई पे, अगर भाई अब वाईफाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका चैनल सब्सक्राइब किया, ठीक है, वीडियो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सारे एजुकेटर सबकी क्लासेस लाइक करिए, आप लोगों के लिए सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरी भी वीडियो लाइक करिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको पहुंच सके। और मैं बता रहा हूं बहुत ही एक ऑनेस्ट वे में मैं आपको रिव्यू प्रेजेंट करूंगा, और जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वही पूछे जाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए अभी मैं अनअकैडमी पे मिलता हूं, वहां पे भी मेरी क्लासेस है 5 मिनट में, जिसमें मैं रिव्यू ही प्रेजेंट करने वाला हूं, जो बचे हुए क्वेश्चन है प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स भी। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल।